आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से है, क्लास टेन मैथमेटिक्स। सो फर्स्ट आपको आइडेंटिटीज के बारे में सीखना है, आइडेंटिटीज जानना है, उसके बाद उस आइडेंटिटीज का यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तो फर्स्ट पहले आइडेंटिटीज को समझिए। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से हम लोग और चार फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस चार फॉर्मूला का आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज है। तो अगर आप एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, इससे चार फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको अच्छी तरह से पता है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट यहाँ से आप सपोज दैट कि ये ए नंबर लिखते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को अगर इस ये स्क्वायर है, अगर हम बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है, इस स्क्वायर था इसमें अगर हम स्क्वायर रूट लगा दिए तो ये साइन थीटा हो गया, और अगर इधर स्क्वायर रूट लगा दिए तो ये हो गया 1 माइनस, सो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये दो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ से ये बी नंबर हो गया। सी नंबर के लिए कि अगर इस आइडेंटिटीज में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही इधर रहने दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट होगा, मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब ये स्क्वायर है, फिर से अगर हम स्क्वायर रूट दे दें बोथ साइड तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला हमने लिखा और ये चार फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आपको याद रखना केवल इसको अगर आप याद रखेंगे, ये चार फॉर्मूला आप खुद से निकाल लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए।